आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए, हमारा जो टॉपिक है वो है रोडेंट्स, ठीक है। तो रोडेंट्स और उसके कंट्रोल। अब रोडेंट्स और उसके कंट्रोल, अब रोडेंट्स क्या है? रोडेंट्स में आते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के रैट्स, क्योंकि ये जो हमारे रैट्स हैं इसमें, गुड आफ्टरनून, इसमें जो एनिमल्स हैं वो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ह्यूमन क्रॉप्स को लॉस पहुंचाते हैं, यानी कि चाहे सीधे चाहे हमारे दूसरे तरीके से, तो ये हमारा क्या है, ह्यूमन क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, यानी लॉस करते हैं हमारे, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये कहलाते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसमें, जैसे हार्वेस्ट है हमारी, फसलों को नुकसान करेंगे, ठीक है, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, जंगल को, गार्डन एंड गोदाम ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि हमारे अनाजों के गोदाम, इन सबको चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट रूप से हमेशा ये लॉस करते रहते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा जो रैट की हिस्ट्री, अगर हम पुरानी देखें ह्यूमन इतिहास में, तो ये सबसे प्राचीन मानी गई है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बीकानेर, बीकानेर कहाँ पर हमारा है, ये राजस्थान में है बीकानेर, उस बीकानेर में जो टेम्पल है, उस टेम्पल में कम से कम हमारे जो रैट्स होते हैं उनके लिए 50 किलो ग्रेन्स ये वहाँ पर उनके लिए दिया जाता है, समझ में आया? क्योंकि जो गॉड थे कौन से थे, गणेश, तो हिंदू धर्म के अंदर जो गणेश थे उसकी जब पूजा हमारी, यानी कि सबसे पहले की जाती है, आपने देखो गणेश की जो हमारी क्या होते हैं, जैसे राइडिंग, राइडिंग मतलब सवारी, क्या होती है सवारी गणेश की, जैसे चूहा था रेट, हर एक की अलग अलग सवारियां हैं, जितने भी हमारे गॉड हैं सबकी अलग अलग हैं, ठीक है, आपने सबकी देखी भी होंगी, क्या हमारा जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे श्रीवास्तव, हम बता चुके लास्ट में, तो जो श्रीवास्तव थे उन्होंने 1968 में जब इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारी क्रॉप्स को डैमेज करने के लिए रैट्स की 110 स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन किया था, समझ में आ गया, किसने किया था, हमारे श्रीवास्तव ने, श्रीवास्तव ने सबसे पहले रैट्स की 110 स्पीसीज का, उन्होंने जो हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर रहे थे यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले जो रैट्स थे उनकी 110 स्पीसीज का उन्होंने 1968 में वर्णन किया, क्योंकि टोटल रैट्स की जो पॉपुलेशन थी वो 42,500 करोड़ से अधिक थी उस समय, बताइए थी इतनी, और इंडिया, ये तो हमारी पूरी वर्ल्ड की है, ठीक है, टोटल रेट्स पॉपुलेशन वर्ल्ड की है 42,500 करोड़, इससे अधिक, इसके अलावा इंडिया की अंदर रेट्स की थी वो थी हमारी 10,000 मिलियन से अधिक, 10,000 मिलियन से अधिक थी। अब यहाँ तक तो हमने लास्ट टर्म में आपको बता दिया था, इसके बाद हमारा आता है स्पीसीज ऑफ रेट्स। तो हमारे साइंटिस्ट क्या थे, साइंटिस्ट थे श्रीवास्तव, कौन थे, श्रीवास्तव, हाँ श्रीवास्तव जो थे, जो श्रीवास्तव थे उनके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर हमारे रेट्स कितने थे, उन्होंने बताए थे इंडिया के अंदर जो रेट्स थे वो हमारे 110 स्पीसीज यानी कि पाई गई थी, 110 स्पीसीज पाई गई थी, जिसमें से जो हमारी 70 स्पीसीज हैं, इसमें से 70 स्पीसीज हैं
वो रोडेंटिया ऑर्डर के म्यूरिडी ने अपने यानी कि थ्री टाइप्स में डिवाइड किया था। किसने किया था? रोडेंटिया, रोडेंसिया ऑर्डर में इन्होंने म्यूरिडी, म्यूरिडी में जो रेट्स थे वो क्या थे हमारे, कितने थे? थ्री टाइप्स में बताए थे। कौन कौन से थ्री टाइप्स होते हैं वो हमारे थे थ्री टाइप्स में। फर्स्ट हमारा था, जो फर्स्ट है वो हमारा था, हाँ जी, इसमें हमारे रेड्स की बर्ड जो 70 स्पीसीज थी वो हमारी रोडेंटिया ऑर्डर में म्यूरिडी की रेड्स वो थे थ्री टाइप्स के, उन्होंने बताए थे। वो थ्री टाइप्स के कौन कौन से हैं, ठीक है, जो थ्री टाइप्स के हैं वो उसमें फर्स्ट हमारा टाइप है वो हमारा है हाउस रेड। कौन सा है? हाउस रेड यानी कि घरों में रहने वाले रेड, ठीक। दूसरे उन्होंने बताए थे फील्ड रेड यानी कि हमारे बाहर मैदान में या खेतों में रहने वाले रेड्स। और तीसरे थे वो थे उन्होंने बताए थे कुछ हमारे हाउस में भी रहते हैं, क्वालिटी उनकी वैरायटी उनकी स्पीसीज, और कुछ हमारे होते हैं फील्ड रेड्स यानी कि हाउस रेड्स भी होते हैं फील्ड रेड्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हाउस और फील्ड दोनों में पाए जाते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले जो स्पीसीज थी वो हमारे जो रेड है उसका हमारा जूलॉजिकल नेम था, पहला हमारा है रेटस रेटस। क्या है? रेटस रेटस। अब ये क्या है रेटस रेटस? ये हमारा हाउस यानी कि जो हमारे सीड के गोदाम, ठीक, या हमारे सिप्स, सिप्स का मतलब जहाज, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ थे? हाउस, ठीक है। हाउसेस में जो सीड के क्या थे हमारे? गोडाउन्स, गोदाम्स, उसमें पाए जाते थे। कौन से? रेटस रेटस। इसके अलावा सिप्स यानी जहाजों में भी ये पाए जाते थे, ठीक। इसके अलावा हमारे बंदरगाहों, टापू जहाँ पर कह सकते हो, ठीक है, वहाँ पर भी ये पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या थे? ये हमारे इन यानी कि जैसे गोदाम सिप्स या बंदरगाहों में इनको रहने के लिए बिल का यूज नहीं किया जाता था, ये यानी कि बिल नहीं बनाना पड़ता था, नॉट यूज बिल यानी कि, क्योंकि ये कैसे रहते थे? बिल में रहते थे। लेकिन यहाँ पर इनके लिए कोई बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो इसमें से जो 16 स्पीसीज थी वो हमारी जो हमारे नारियल होते हैं, 16 जो स्पीसीज हैं वो हमारी 16 स्पीसीज हैं वो हमारी क्या है? कोकोनट, कोकोनट, कोकोनट जानते हो क्या? टॉफी, टॉफी, दिमाग सही है। कोकोनट को क्या करते थे? ये हार्मफुल यानी करते थे, नुकसान करते थे, उसकी लेयर से अंदर अंदर का मटेरियल को यानी फूड के रूप में एब्जॉर्ब कर लेते थे। ऊपर की लेयर बहुत हार्ड होती है कोकोनट की, जब ये हमारा क्या होता है, जब ये हमारा एम्ब्रियो स्टेज में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है यानी कि बिल्कुल अनमैच्योर, ठीक है। तो इसमें क्या होता, अब ये फुल ईयर इसका रिप्रोडक्शन होता था, और जो रेड्स की जो टेल थी वो उसकी बॉडी से भी इसमें लंबी होती थी। जो रेटस रेटस है इसमें हमारा फुल ईयर रिप्रोडक्शन यानी कि पूरे साल में कई बार ये बेबी को जन्म दे देते थे, और इनकी जो टेल थी यानी कि इनका जो साइज था वो इनकी यानी कि बॉडी से, साइज किसका? टेल का,
कैसा था, बॉडी से, बॉडी से लॉन्ग थी, जितनी बॉडी नहीं थी उससे अधिक इनकी क्या थी, टेल थी। हाँ, अब ये तो थे हमारे सिंपल वाले रेटस, रेटस रेटस, ठीक है। अब इनकी हमारा जैसे एक इंडियन गर्बिल है, ठीक है, इंडियन गर्बिल में दूसरी जाति हमारी आती है, जैसे तुमने सुना होगा, जैसे हमारे जो लोग पहले देखा होगा एक डिजीज थी प्लेग रोग, जैसे हमने कोई भी फूड वूड जैसे बिस्कुट उस्कुट खा लिया किसी भी रेट ने, इसके बाद में उसी को ह्यूमन ने ऑब्जर्व कर लिया, तो उसके क्या होता, उससे प्लेग रोग होता था। और प्लेग रोग कैसे होता है कि उसकी आँखें आँखें ये काली हो जाती हैं और बॉडी के अंदर हमारा डिफरेंट टाइप के यानी कि इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा सेकेंड हमारा जो था रेटस, रेटस के बाद में इंडियन गर्बिल, ये अलग अलग जातियां चल रही हैं उसकी, किसकी, रेड की, रेड की, हाँ इंडियन गर्बिल। तुमने सुने भी नहीं होंगे, आज बहुत तुम्हें प्रकार के बताए जाएंगे रेड्स, इसका दूसरा नाम एक और लिख सकते हो टेट्रापोडिका, टेट्रापोडिका हार्ड डाइकिल ग्रे, हार्ड डाइकिल ग्रे इंडियन गर्बिल कह सकते हो या टेट्रापोडिका हार्ड डाइकिल ग्रे, ठीक है। अब ये क्या है, इस टाइप के हमारे जो रेड्स थे वो हमारे जब क्रॉप्स यानी कि फील्ड्स के अंदर नहीं होती है, यानी कह सकते हो फ्री फील्ड में, यानी खाली हमारा जब खेत होता है उसमें ये हमारे पाए जाते थे, समझ गए, क्यों खाली में नहीं पाए जाते। अरे खाली में ही पाए जाते हैं, खाली में क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्यों क्यों ऐसे, क्या जहां पर होगा खाने तभी मिलेंगे। अब आई क्लियर, ये हमारे जैसे जो फील्ड है उस फील्ड में पहले हमारा जैसे बीट था, गेहूं था, ठीक, इसके बाद में उसे चेंज करके रिवर्स करके हमने शुगर केन लगा दिया। अब शुगर केन के बाद में हमारा वो फील्ड खेत हो गया खाली, ठीक है, अब फ्री हो गया, तो उसमें भी हमारे ये इंडियन गर्बिल, ये वैरायटी हमारी जो रेड्स की वो पाई जाती है, क्योंकि इसी से हमारा क्या होता है, डिजीज होगी प्लेग रोग, कौन सी होगी, प्लेग रोग होगी। तो ये नहीं कि बिना बोए, अब हमने ये इससे पहले बताया था कि गोदाम, जो बीज के गोदाम है, अब बीज के गोदाम में वहां पर कोई बिल बना के तो रहते नहीं है, कभी गोदाम में यानी बीज के अंदर चले जाते हैं, कभी बीज के बाहर साइड से बैठे रहेंगे, और जो जहाज है पानी वाला जहाज उसमें ऐसा तो है नहीं पानी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। DAWN हाँ चलो गोदाम चलो तुम बोलो। तो ये हमारा जहाज बंदरगाह है टापू, वहां पर ये पाए जाते हैं, तो वहां पर इनका बिल तो होता नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपने पैलेस को चेंज करते रहते हैं, कैसे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब यहाँ पर क्या था, विदाउट क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि फ्री फील्ड्स, विदाउट क्रॉप्स यानी कि फसल नहीं होगी, ठीक है, कैसा होगा, खाली खेत होगा, उसमें हमारे जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, प्लेग डिजीज, प्लेग डिजीज यानी कि यहां पर हो सकता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी का जो कलर होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, लाइट ब्राउन, भूरा रंग, हल्का भूरा रंग होता है, लाइट ब्राउन। और वेंट्रल सरफेस पे भी हमारा इलो हेयर्स
यानी नीचे की साइड्स में, क्योंकि एक होता है डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल, तो ये जो लाइट ब्राउन है ये कौन सी साइड होगी, ये होगी डॉर्सल सरफेस। ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे लाइट ब्राउन और वेंट्रल सरफेस पे डार्क। हाँ, डार्क क्या कह सकते हो, इलो, हल्का सा पीलापन, जैसे स्किन टाइप की दिखाई देती है, हल्के से हेयर होंगे, लेकिन कौन सी सरफेस होगी, वेंट्रल। कैसी होगी, वेंट्रल सरफेस होगी। एक डॉर्सल और वेंट्रल तो जानते हो, क्यों डॉर्सल और वेंट्रल, तो ये हमारा इसकी बॉडी का कलर होगा, किसका होगा, इंडियन गर्विल, जो हमारी वैरायटी रेड्स की है, स्पीसीज है उसकी, यानी कि ये हमारा इनका रहने का जो लिव है वो विदाउट क्रॉप्स में, फ्री फील्ड में, प्लेग डिजीज यानी कि यहाँ पर होने की संभावना रहती है, क्योंकि इनका बॉडी का कलर कैसा होगा, डॉर्सल सरफेस पर लाइट ब्राउन और वेंट्रल सरफेस पर इलो, क्योंकि इनके अंदर जो हमारे हैंड्स लिम्स होंगे वो कैसे होंगे, जंप्ड और लॉन्ग। इनके जो हैंड्स लिम्स, हैंड लिम्स का मतलब होता है पीछे के यानी कि पैर, क्योंकि हमारे आगे के भी पैर हैं पीछे के भी पैर होते हैं, फोर हमारे लेग्स होंगे इनके, तो क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बताओ ओविपोरस हैं या हमारे वैसे हैं, मैमल्स हैं ये, क्यों अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, क्यों जितने लोग क्या बीवी पैरस है ये, क्या शिवांगी आवाज आ रही है, ये कौन से होते हैं, तो इनके जो हैंड लिम्स होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे और यानी कि जंप करने के लिए अडेप्टिव होंगे, अडेप्टिव का मतलब उनके अनुकूलित होंगे, यानी कि लंबे और यानी कि पीछे के पैर होंगे जिससे कि वो जंप लगा सकते हैं। तो ये तो था हमारा इंडियन गर्विल। इसके बाद में नई हमारी एक और इसकी स्पीसीज है, वो आप नोट करेंगे, वो हमारी है रेटस नॉर्विकस बैकन आउट, रेटस नॉर्विकस बैकन आउट। अब ये क्या है, ये हमारे जो रेड्स होंगे ये हमारे सी बैंक का मतलब होता है समुद्र का किनारा। ठीक है, हाँ वहां पर ये पाए जाते हैं, और इसी को कह सकते हैं हमारा होम रेड, क्योंकि ये हमारा क्या है, जैसे हमारे घरों में पाए जाते हैं, तो ये वही हमारी इसकी है स्पीसीज रेटस नॉर्विकस बर्केन हाउट। ये सी बैंक हो, समुद्र के किनारे हो सकते हैं, या हमारे समशीतोष्ण का मतलब होता है जहां पर हमारा क्या होता है थोड़ी बहुत नमी हो, जैसे ज्यादा हमारा क्या होगा, जैसे मूडिट यानी कहते हैं ज्यादा हमारा गीलापन ना हो ना ज्यादा हमारा हार्ड हो। ठीक है, तो ये हल्का सा समशीतोष्ण होता है, समशीतोष्ण मतलब समझते हो नमी वाला भाग, जो समशीतोष्ण हमारा भाग है ये नमी वाला भाग होता है। अब इसमें क्या है, इसे हम कह सकते हैं होम रेड का मतलब घरेलू चूहा कह सकते हो, क्योंकि इसके जो फर होंगे वो कैसे होते हैं, काले और सॉफ्ट होते हैं, इसके जो फर होंगे वो कैसे होंगे, काले एंड सॉफ्ट, क्योंकि हमारे जो घरों में पाया जाता है वो हमेशा सिंपली होता है, उसकी जो माउथ होता है उसमें देखा हो तुमने आगे की ओर कैसे होता है, बहुत तेज, यानी कि नोस्टिल्स जो उसके होंगे बहुत तेजी से सॉफ्ट होते हैं हमारे, क्योंकि इसमें क्या है, जो ब्रिस्टलेस है,
इसके जो फर हैं वो हमने क्या कर दिया, ब्लैक और सॉफ्ट होते हैं। इसकी जो ब्रेस्टलेस है वो कैसी होती है, बहुत अधिक महीन, और हमारी संख्या में बहुत अधिक होगी। ब्रेस्टलेस क्या होती है, उसकी बॉडी, बॉडी के अंदर जो बाल होते हैं वो ब्लैक होंगे, उसके सॉफ्ट होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे पोर्स होंगे वो कितने होंगे हमारे, बहुत ही ज्यादा कैसे होंगे, महीन। महीन को क्या कहते हैं, क्यों, थिकनेस, थिन, थिन यानी कि थिन वाले, बहुत पतला यानी कि थिनर कर सकते हो, TH INER, थिनर। और एक होता है थिकर, थिकर हो गया मोटा, थिकनेस कह सकते हो, थिकर्स और थिनर, ठीक है। और कैसे होंगे हमारे, ये हमारे नंबर्स, इनकी कितनी होगी, मोर देन, यानी कि नंबर्स कितने होंगे, मोर देन नंबर्स, कैसे क्या होंगे, हमारे ब्रिस्टल्स। अब इनकी जो डॉर्सल सरफेस है अभी बताई थी बॉडी की, वो कैसी होगी, इसकी होगी डार्क ब्राउन। डॉर्सल सरफेस होगी बॉडी की, जो बॉडी की हर यानी कि स्पीसीज की अलग अलग यानी कि वैरायटियां हैं, और देखने में अलग अलग यानी कि दिखाई देगा। तो इसकी जो हमारी डॉर्सल सरफेस होगी वो कैसी होगी, हमारी ब्लैक, कैसी होगी, ब्लैक कह सकते हो या कह सकते हो डार्क ब्राउन, गहरी यानी कि भूरी टाइप की, ठीक है। और वेंट्रल सरफेस होगी वो कैसी होगी, व्हाइट कलर की, कैसी होगी, व्हाइट कलर की होगी, कैसी होगी, व्हाइट कलर की। अब ये जो हमारा रैट है, ये भी हमारा इससे पहले वाला था इंडियन गर्बिल, ये भी हमारा क्या था, फुल यानी कि ईयर रिप्रोडक्शन करता था, और ये भी फुल ईयर रिप्रोडक्शन करेगा, ये यानी हर 2-3 महीने बाद में अपने बेबी को जन्म देता रहेगा। और इसकी लंबाई जो टेल की होती है अपनी बॉडी से कम होती है, जबकि उससे पहले वाला जो था उसकी बॉडी की जो लेंथ थी उससे यानी कि टेल अधिक थी, और यहाँ पर रेटस रेटस में, और यहाँ पर लंबाई कम होगी। तो यानी लिखेंगे फुल ईयर रिप्रोडक्शन, फुल ईयर रिप्रोडक्शन होता रहेगा, फुल ईयर रिप्रोडक्शन। और जो हमारा टेल है, टेल की जो हाइट है वो कैसी होगी, उसकी हाँ कैसी होगी, शॉर्टर देन बॉडी, हाँ बॉडी से यानी कि कैसी होगी, शॉर्ट होगी। तो ये हमारा था रेटस नर्विकस ब्रेकन आउट। इसके अलावा हमारा आता है नेक्स्ट मस्कुलस लिन। कौन दिख नहीं रहा है, तो मैं दिखाई दे रहा अपने कैमरे की लाइट खोलो, कहाँ अंधेरे में बैठी लक्ष्मी, नई स्पीसीज है, दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये अभी हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा पाया जाएगा हमारे घरों में यानी कि हाउसेस, और कभी कभी ये हमारा क्या होगा, जो विलेज हैं या हमारा सिटी हैं, ठीक है, या हमारे गार्डन हैं, या हमारे फील्ड्स हैं, इन सभी में भी ये मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से यानी कि रनिंग करता है, रनिंग का मतलब तेजी से यानी कि दौड़ सकता है, इसीलिए अपने ये चेंज कर सकता है। अब ये वैसे तो मेन इसका हमारा जो है वो हमारा अधिकतर यानी कि घरों पर ही ज्यादा यानी कि रहने की संभावना होती है। विलेज का मतलब कह दिया कि एक घर से दूसरे घर में, है ना, तो गांव के अंदर पास पास में घर होते हैं, ऐसे शहरों में भी हमारे पास पास में घर होते हैं, बगीचे भी होते हैं, बगीचे में भी चला जाता है, बगीचे से है ना खुले स्थान पे भी जा सकता है। तो ये हमारा कौन सा है, मस्कुलस लिन,
मस्कुलस लेन, ये हमारा। अब इसमें क्या होता है, इसकी डॉर्सल सरफेस, इसकी जो डॉर्सल सरफेस है वो कैसी होती है, लाइट ब्राउन। कैसी होगी, लाइट ब्राउन होगी। और जब इसकी वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस होगी वो कैसी होगी हमारी, इलोइस ब्राउन, यानी हल्की पीली रंग की। समझ रहा है, डार्सल वाला अपर सरफेस और वेंट्रल वाला नीचे की सरफेस, सही उल्टा नीचे का। हाँ, ये हमारा ऊपर से दिखने में अलग होगा और नीचे से हमारा, क्योंकि नीचे की स्किन पे इसके बाल नहीं होते हैं, यदि जो हेयर होंगे वो हमारा अपर साइड में होते हैं, नीचे की साइड में नहीं होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये हमेशा एक्टिव बहुत रहता है। इसकी जो बॉडी होगी वो हमेशा बहुत ही एक्टिवनेस, हाँ एक्टिव रहेगी, क्योंकि इसकी फीमेल में, इसकी फीमेल में 12 मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। और ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट में यानी कि इसे कहाँ करते हैं, यूज्ड इन लैब, इसे यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में भी यूज किया जाता है। कौन सा, मस्कुलस लिन। इसके बाद में नई इसकी स्पीसीज आती है, वो हमारा है बैंडिकेटा इंडियन बेस्टिडेन, लिख लीजिए, नेक्स्ट स्पीसीज है बैंडिकेटा इंडिका बैच डिन, ठीक है, बैंडिकेटा इंडिका बैच डिन। अब ये क्या है बैंडिकेटा इंडिका, ये क्या है कि जहां पर हमारे गार्डन्स या प्लो फार्म्स, यानी कि जहां पर हम लोग जैसे खेत को यानी कि क्या करते हैं, दोबारा उसकी यानी कि प्लो कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमारा जब गार्डन होगा या लॉन्स होगा या चारागाह होंगे, ठीक है, वहां पर हमारे जो हमारे क्रॉप्स, ठीक है, या ग्रेन्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या रूट्स ग्रास, उन सबको फूड के रूप में एब्जॉर्ब करता है। इसकी यानी कि अपर साइड पर हेयर पाए जाते हैं, और जब इसे यानी कि बहुत तेजी से हम ज़्यादा इसे यानी कि इन्फेक्टेड कर देते हैं, यानी कि अगर हम सोचें इस पर अटैक करने सोचें, तो ये अपने आप में जो हेयर होंगे बॉडी के अपर साइड में, उन्हें क्या करता है, स्टैंड कर लेता है, खड़े कर लेता है, यानी गुस्सा दिखाता है, क्योंकि इसकी फीमेल के अंदर 10 मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। और ये हमारा इंडिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा होता है, और इसकी जो टेल होती है वो बहुत ही छोटी होती है, समझ गए। तो ये था हमारा बैंडिकेटा इंडिका बैक्सीडिन, लिख लो इसमें चाहे। बैंडिकेटा इंडिका कहाँ होता है, यानी कि जहाँ पर फार्मर्स हमारे क्या करेंगे, प्लो करेंगे, यानी कि प्लो फार्मर्स, यानी खेत को यानी जोतने के बाद, ठीक है, वहां पर ये निकल सकते हैं। इसके अलावा हमारे गार्डन्स बगीचों में भी हो सकते हैं, खाली स्थान हमारे घरों में होते हैं, बाहर की ओर लॉन्स, ठीक है, और जहां पर हमारे क्या होते हैं, कैटल्स पाए जाते हैं, जैसे चारगाह कैटल्स, जहां पर हमारे जानवर रहते हैं, चौपाया चारगाह कहते हैं, उन सभी में ये हमारे फाउंड यानी कि पाए जाते हैं, इन सभी में ये पाए जाते हैं। अब इनका फूड क्या है, हमने बताया था अभी, इनका फूड क्या है, यानी कि ग्रेन्स, ये अनाज को खा सकते हैं, ठीक, फ्रूट्स को भी खा सकते हैं, वेजिटेबल्स को भी खा सकते हैं, रूट्स ग्रास
रूट्स ग्रास यानी कि घास की जड़ों को भी खा लेते हैं। इनकी यानी कि फू यानी कि जो हमारा बैक साइड यानी कि अपर साइड जो होगी, अपर साइड सबसे ऊपरी की, उससे क्या कहते हैं यानी कि हेयर को स्टैंड, हेयर स्टैंड खड़ा कर लेता है बाल को अपने, यानी कि जब इसे एंग्री होता है बहुत नाराज होता है तब अपने यानी कि जो पीठ पर इसके बाल होंगे उसको क्या कर लेगा, खड़ा कर लेगा। कब करता है, जब इसे यानी कि हम लोग इस पर कोई अटैक करते हैं या इसे कोई ज़्यादा यानी कि लॉस करते हैं, हानि पहुंचाने के लिए होते हैं, तब ये अपने बाल को क्या कर लेता है, खड़ा कर लेता है। और इसकी फीमेल के अंदर कितनी ग्लैंड होती हैं, वहाँ पर मैंने बताई थी मस्कुलस लिन में 12 और यहाँ पर होती हैं 10। मैं मेरी एम ए डबल एम ओ आर मैं मेरी ग्लैंड, ठीक है, मैं मेरी ग्लैंड्स, अब ये इंडिया में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, इंडिया में ले सकते हो लार्ज साइज का होता है, सबसे बड़ा होता है। और इसकी जो टेल होती है वो बहुत कैसी होती है, स्मॉल, बहुत ही छोटी होती है, अपनी बॉडी से भी बहुत छोटी। अभी तक हमारी जो और वैरायटी थी उसके अंदर हमारी कैसी थी, टेल बहुत बड़ी थी, जैसे रेटस, रेटस की भी साइज से बड़ी थी, हैं, और रेटस नर्विकस बर्कनहाउस की भी इसकी बॉडी से अधिक थी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है मुस्प्लेटीथ्रिक्स वर्नेट, ये नई स्पीसीज है, स्पीसीज तो बहुत हैं। एक और लिख लो वैंडिगोटा बेंगेलेंसिस ग्रे, ये स्पीसीज, अच्छा बहुत जीनस बेंगेलेंसिस ग्रे, बेंडिगोटा बेंगेलेंसिस ग्रे, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमारा एक प्रकार का एंग्री एनिमल्स है ये, कैसा है, एंग्री एनिमल्स, क्रूर एनिमल्स है ये, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जब इससे गुस्सा आता है तो ये अपने जो टीथ है उसको क्या करता था, च्यूइंग करता है, यानी कि किटकिटाता है ये, ठीक है, च्यूइंग चबाने की आवाज लगती है, तो इसे हिंदी में कह सकते हो किटकिटाने की आवाज, जैसे हम लोग कभी कभी अपने दांतों को रविश करते हैं तो आवाज आती है, तो उस टाइप से ये हमारा क्या करता है, जब ये बहुत यानी कि एंग्री हो जाता है तब, तो हाँ उस समय इसके अंदर ये मेन हैबिट है, ये इसकी एक्टिविटी है हमारी है। और ये हमारा कैसा होता है, ये जैसे स्विमिंग का मतलब होता है तेजी से दौड़ने वाला, हमारा बहुत तेज फास्ट स्पीड से यानी कि स्विमिंग कर सकता है, क्योंकि इसकी डॉर्सल सरफेस लिख लो, डॉर्सल जो सरफेस है वो कैसी होती है, ये हमारी ब्राउन कलर की, डॉर्सल सरफेस कैसी होगी, ब्राउन कलर की, और उस पर होंगे हार्ड फर, यानी कि हमारे जो बाल होंगे बहुत ही हार्ड होंगे, यानी सीधे खड़े रहते हैं, जैसे हमने सही देखी है उस सही की तरह, रोको, यह ब्राउन कलर, लेकिन इसके ऊपर जो हमारे हेयर होते हैं यानी कि बाल जो होंगे वो कैसे होंगे, हार्ड फर होंगे, हार्ड फर होंगे। और जब इसकी बेंट्रल सरफेस होगी वो कैसी होगी, हमारी बेंट्रल सरफेस वाइट कलर की, कैसी होगी, वाइट कलर की, किसकी, वेंडिगोटा बेंगेलेंसिस यानी कि बेंगेलेंसिस, इसकी जो हमारी बेंट्रल सरफेस होगी
वो हमारी होगी वाइट कलर की, क्योंकि अलग अलग प्रकार की स्पीसीज और अलग अलग जगह इनका रेजिडेंस होता है, तो इसको क्या होता है केवल इसके एटमॉस्फेयर के ऊपर ही तो बॉडी होती है हमारी, क्योंकि जैसा जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसे होगी। क्योंकि ये क्या होता है एक बार में कम से कम हमारे जिसका रिप्रोडक्शन होगा वो रिप्रोडक्शन होने के बाद में कम से कम 6 से 15 बेबी को एक साथ में ये क्या कर सकती है प्रोड्यूस कर सकती है 6 से 15 बेबी को बैंडिगोटा बैंगलेंसिस। तो ये कैसा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा टाइप का हमारा एनिमल है, और जब इसे यानी कि बहुत तेज़ी से यानी कि जब नाराज या गुस्सा आती है तो ये अपने दांतों के तक किटकिटाता है, और इसका जो हमने बताया था ऊपरी सरफेस ब्राउन कलर की, और इसके जो हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं बहुत ही हार्डली है। और इसके बाद में जो हमारा वेंट्रल सरफेस है वो व्हाइट कलर की होती है, और जब रिप्रोडक्शन होगा क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन ये भी हमारा कैसा होगा लगातार यानी होता रहता है पूरे साल में 2-3 बार रिप्रोडक्शन होगा, हर 3 या 4 महीने के बाद में ये हमें बेबी को जन्म दे देगी। इसका कोई निश्चित समय नहीं कि साहब कि हमारा जुलाई में अगस्त से सितंबर में कोई से मंथ में रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है मुस प्लेंटी थ्रेक्स वर्नेट, ये नेक्स्ट स्पीसीज हमारी मुस प्लेंटी थ्रेक्स वर्नेट, ये हमारी अलग स्पीसीज है। ठीक है, अब ये क्या है इसमें जो रेट होंगे वो हमेशा कहाँ रहेंगे, वो हमेशा वाटर के बिल्कुल समझ लीजिए बैंक यानी पानी के किनारे, जैसे हमारा कहीं पर टैंक उंक होता है घरों में, ठीक है वहां पर रहेंगे। तो इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए चाहिए हमारा मॉइस्चर यानी कि नमी वाली जगह, ये नहीं कि टेरिस्टल वाली जगह सूखी जगह में चाहिए बिल बना के चाहिए ऐसा कुछ नहीं। तो ये हमारे अधिकतर ये क्या होता है पानी के टैंक के पास में रहते हैं। तो इसका वैसे पता क्या है मुस प्लेटी थ्रिक्स बर्नेट को कह सकते हो भूरा रंग का एक कटीला हमारा चूहा कहलाता है। तो ये